पानीपत का युद्ध तो हमने विस्तार से देख लिया, अब हम उसके परिणाम देख लेते हैं। सबसे पहले त्वरित परिणाम, युद्ध के तुरंत बाद और उसके 5-10 साल के भीतर की घटनाओं को हम इसमें शामिल कर सकते हैं। मराठों की स्थिति का तो हम अंदाजा लगा ही सकते हैं, पर पहले देखते हैं कि युद्ध के बाद अब्दाली और अफगानों का क्या हुआ। अब्दाली युद्ध तो जीत गया था, पर 1.5 साल तक परदेश में फंसे रहना पड़ेगा और इतना भारी नुकसान हो जाएगा, ये उसने कभी सोचा भी नहीं था। अब्दाली ने जब दिल्ली में दरबार लगाया तो इस बात का ध्यान रखा कि पेशवा को और नाराज न किया जाए, इसलिए मराठों ने जो दिल्ली में व्यवस्था बना के रखी थी उसे अब्दाली ने भी बनाए रखा। इमादुल मुल्क और नजीब उन्हीं ओहदों पर रहे जिन पर वो अब्दाली के हमले से पहले थे। इस तरह इतनी बड़ी जीत के बावजूद उसने मराठों से एक किस्म का समझौता कर लिया, दोस्ती कर ली। इसी से समझा जा सकता है कि अब्दाली कितना जबरदस्त राजनीतिज्ञ था। ऐतिहासिक दस्तावेजों से और बाद की घटनाओं से ये बात साफ साबित होती है कि पानीपत की जीत से दुर्रानी साम्राज्य को कुछ भी हासिल नहीं हुआ, सिवाय सबके मन में अफगानों के प्रति एक खौफ के, एक दहशत के, एक ऐसा डर जो लगभग बेबुनियाद था। अफगानों की क्षीण होती ताकत को सिखों ने बिल्कुल ठीक पहचान लिया और इस अवसर का पूरा लाभ उठाया। सिखों ने इस लाहौर और पंजाब के रास्ते लौटती अफगान सेना को नोच डाला। अगस्त सन 1761 को सियालकोट के युद्ध में और सितंबर में गुजरानवाला के युद्ध में सिखों ने अफगानों को पराजित कर दिया और लाहौर को कब्जे में ले लिया। पंजाब पर अब्दाली को अपना नियंत्रण कमजोर होते दिखाई देने लगा। उस समय तो वो चुप रहा क्योंकि उस समय उसे मध्य एशिया के बुखारा अमीरात से निपटना था, पर वो वापस आया कुछ ही महीनों में, जनवरी सन 1762 में। लेकिन अब की बार अब्दाली दिल्ली नहीं आया, केवल लाहौर और सरहिंद तक आया। पंजाब में उसने सिखों से बदला लिया। सिखों का सबसे पवित्र तीर्थ स्थल अमृतसर का हर मंदिर तोपों के गोलों से नष्ट कर दिया और अमृतसर तालाब को भी भ्रष्ट कर दिया। इतना ही नहीं, उसने सिखों का एक बड़े पैमाने पर कत्लेआम किया जिसे घल्लूघारा कहा जाता है। सिख इतिहास में दो घल्लूघारा हुए हैं। सन 1746 में मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीले के शासनकाल में छोटा घल्लूघारा और अब 5 फरवरी सन 1762 को बड्डा घल्लूघारा या बड़ा घल्लूघारा, जिसमें करीब 15,000 से 20,000 सिखों का कत्ल किया गया। अब जरा इसको जलियांवाला बाग के आंकड़ों से तोलकर और नाप कर देखिए। सिखों ने अपने इतिहास में न जाने ऐसे कितने ही दर्द सहे हैं। सिख इतिहास की हमारी सीरीज में हम इसे विस्तार से देखेंगे। बड़ा घल्लूघारा तो हो गया, लेकिन इसका उल्टा ही असर हुआ। बड़े घल्लूघारे के कत्लेआम ने आग में घी का काम कर डाला। अमृतसर का हर मंदिर तो 10 साल में फिर से बनकर खड़ा हो गया, पर इस कांड से अफगानों की पंजाब में शामत आ गई। सिख मिसलें दबने की जगह और भी भड़क उठी। सिखों ने अफगानों का पंजाब में जीना दुश्वार कर दिया। इसके खिलाफ अब्दाली अपने जीते जी फिर कुछ नहीं कर पाया। सन 1767 आते आते लाहौर अफगानों के हाथ से लगभग जा चुका था और लाहौर पर सिख हावी हो गए। उसके बाद आने वाले लगभग 30 साल के अंदर सिखों ने अफगान सत्ता को पंजाब से हमेशा के लिए उखाड़ फेंका और महाराजा रणजीत सिंह के नेतृत्व में एक शक्तिशाली सिख साम्राज्य की स्थापना की। खुशवंत सिंह की माने तो पानीपत में मराठों और अब्दाली की जगह न लड़ते हुए भी सिख जीत गए। ये सब कुछ हम सिख इतिहास की सीरीज में देखेंगे। अब नजीब पर नजर डालते हैं। नजीब एक ऐसा व्यक्ति था जिसने अपनी सारी जिंदगी सबको चकमा दिया, चाहे वो पेशवा हो, चाहे होलकर हो या सिंधिया हो, या उसका खुद का पहला आका इमादुल मुल्क हो, चाहे शुजाउद्दौला हो, चाहे सूरजमल हो, चाहे अब्दाली हो। उस जमाने की शायद ही ऐसी कोई बड़ी हस्ती होगी जिसे नजीब ने चूना न लगाया हो। पानीपत से उत्तर भारत में केवल और केवल नजीब को फायदा हुआ। लगभग 10 साल तक नजीब की दिल्ली में दादागिरी चलती रही और रोहिलखंड का अस्तित्व पक्का हो गया। नजीब ने सन 1763 में जाट राजा सूरजमल की भी हत्या करवा दी और इस तरह से नजीब ने जाट राज्य को भारी नुकसान पहुंचाया। सन 1770 में मराठों ने फिर से उत्तर भारत में वापसी की। अब की बार तो अब्दाली भी मदद करने नहीं आने वाला था। ठीक इसी समय नजीब की भी मौत हो गई। आगे क्या हुआ ये हम अगले भाग में देखेंगे, मराठा पुनर्जागरण के एपिसोड में। पानीपत के तुरंत बाद उत्तर प्रदेश में रोहिलों को कई रियासतों से नवाजा गया, जैसे जलेसर, शिकोहाबाद, फिरोजाबाद, इटावा वगैरह। ऐसी ही कई रियासतें पंजाब और दिल्ली के बीच उभर आईं, जैसे आला सिंह जाट का राज्य पटियाला, उसके अलावा फरीदकोट, अफगानों के राज्य जिंद और मलेरकोटला। और ये सब इसलिए हो सका क्योंकि इन सब पर काबू पाने के लिए न तो मुगलों के पास ताकत बची थी और न ही अफगान और मराठे आसपास थे। मराठों का तो पानीपत के बाद चंबल के उत्तर में पूरा पूरा सफाया हो चुका था। इस युद्ध में अगर आपने ध्यान दिया हो तो असल में मराठों में सबसे ज्यादा नुकसान पेशवा की सेना का हुआ,
पेशवा की इतनी बड़ी सेना के अचानक गायब हो जाने से पेशवा की शक्ति बहुत कम हो गई और वो बेहद कमजोर पड़ गया। पेशवा चूंकि मराठा सरकार का केंद्र था, उसकी हुकूमत कमजोर पड़ते ही मराठा संघ बिखरने लगा। लिहाजा जो मराठा साम्राज्य बन सकता था, वो साम्राज्य बनने की जगह हमेशा के लिए मराठा संघ ही बनकर रह गया। पेशवा पर धीरे धीरे इधर उधर के मराठा सरदारों का दबाव बढ़ने लगा। इसे हम मराठा पुनर्जागरण और पानीपत के दूरगामी परिणाम के एपिसोड में देखेंगे। और जैसा कि अक्सर हुआ करता है, पानीपत के तुरंत बाद मराठों के लिए दुर्घटनाओं का एक लंबा सिलसिला चल पड़ा और इससे उबर पाना आसान भी नहीं था। करीब 10 साल लग गए। पानीपत के सदमे से जून 1761 में नाना साहेब बालाजी बाजीराव की मृत्यु हो गई। बड़ा बेटा विश्वासराव तो पानीपत में मारा गया था और मझला बेटा माधवराव अभी केवल 16 बरस का था, इसलिए सारी सत्ता माधवराव के चाचा और नाना साहेब के भाई रघुनाथ राव के हाथ आ गई। लेकिन पेशवा की गद्दी के लिए भी चाचा भतीजे के झगड़े चलते रहे, तो पानीपत की हार, नाना साहेब की मौत और चाचा भतीजे के कभी न खत्म होने वाले झगड़ों के कारण मराठा रियासत को ग्रहण लग गया। छोटे छोटे राज्यों में भी एकदम से इतनी हिम्मत आ गई कि वो चौथ और सरदेशमुखी देने से इनकार कर दें। इन सब का फायदा उठाकर निजाम ने सन 1761 के अंत में पुणे पर चढ़ाई कर दी। दिल्ली को छोड़िए, खुद पुणे को बचा पाना मराठों के लिए मुश्किल हो गया। इस पर निजाम से एक संग्राम भी हुआ जो अनिर्णायक रहा। इस कहानी को हम मराठा पुनर्जागरण की वीडियो में विस्तार से देखेंगे। पानीपत की इस हार से उबरने के लिए मराठों को लगभग एक दशक लगने वाला था। इसी साल दक्षिण भारत की दो घटनाओं ने दक्षिण में मराठों के आधिपत्य का सदा के लिए अंत कर दिया। जिस समय उत्तर भारत में ये अफगानों और मराठों का आपसी संघर्ष चल रहा था, ठीक उसी समय दूसरी ओर पूर्वी और दक्षिणी भारत में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों का तीसरा कर्नाटक युद्ध चल रहा था। हमारे कर्नाटक वॉर्स के वीडियोस में आप इसे तफसील से देख सकते हैं। इस दौरान बंगाल में प्लासी का युद्ध सन 1757 में हो गया। इस पर भी हमने एक अलग से वीडियो बना रखा है। पानीपत से 3 साल पहले प्लासी में अंग्रेजों ने बंगाल नवाब को हराकर इस हरे भरे बंगाल सूबे को अपनी जेब में रख लिया। ऐसा इतिहासकार शिजवलकर का कहना है कि रॉबर्ट क्लाइव के इस अभियान को पेशवा नाना साहेब बालाजी बाजीराव की मूक सहमति थी, क्योंकि पेशवा का गणित कहता था कि बिहार और बंगाल में मुगलों और नवाबों का प्रभाव कम हो जाना चाहिए। ध्यान रहे कि उस जमाने में प्लासी का उतना महत्व नहीं था जितना महत्वपूर्ण अब उसे इतिहासकारों ने बना दिया है। खैर, तो प्लासी के जरिए सन 1757 में बंगाल अंग्रेजों की पकड़ में आ जाने के बाद स्वघोषित मुगल सम्राट शाह आलम सानी अंग्रेजों से 5 साल तक संघर्ष करता रहा। उसका इरादा था कि बंगाल से अंग्रेजों को निकाल बाहर करें। कंप्यूटर की भाषा में अगर हम बात करें तो वो प्लासी को अंडू करना चाहता था। जब अब्दाली का 1759 के अंत में भारत पर हमला हुआ, तब शाह आलम अंग्रेजों से बिहार में जूझ रहा था। ये यहां ध्यान देने लायक बात है कि उस समय किसी ने सोचा तक नहीं था, किसी को भनक तक नहीं थी कि अंग्रेज भी कोई प्रतिस्पर्धी हो सकते हैं, कोई कॉम्पिटिटर हो सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे मराठों को लेकर 1707 में मुगलों का अंदाज चूका था। लेकिन इस वक्त अंग्रेजों के सितारे बुलंदी पर थे। पहला कर्नाटक युद्ध अंग्रेज हार गए थे, दूसरा अनिर्णायक साबित हुआ, पर इससे अंग्रेजों ने भारत की राजनीति में कदम रख दिया और तीसरे और आखिरी कर्नाटक युद्ध के साथ ही फ्रांस को भारत के अखाड़े से बाहर फेंक दिया। और इसी तीसरे कर्नाटक युद्ध के दौरान उत्तर भारत में पानीपत की तीसरी लड़ाई हो गई। ये कितने आश्चर्य की बात है कि तीसरे पानीपत के अगले ही दिन 15 जनवरी सन 1761 को दक्षिण भारत के पौंडीचेरी में फ्रांसीसियों ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने घुटने टेक दिए। फ्रांसीसियों से छुट्टी पाकर अब अंग्रेजों को बिहार में शाह आलम से भिड़ने की फुर्सत मिल गई और अब तो उनको यह भी इत्मीनान था कि मराठे बीच बचाव को नहीं आ सकेंगे। तो बिहार में अंग्रेजों और मुगलों की लड़ाई का पटाक्षेप यानी क्लाइमेक्स हुआ बक्सर की लड़ाई के साथ अक्टूबर सन 1764 को। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगलों को निर्णायक रूप से हरा दिया और शाह आलम को पकड़ लिया। मुगल सम्राट की उस जमाने में इतनी इज्जत थी कि खुद मराठे दिल्ली पर काबिज होने के बावजूद मुगल सम्राट को हटाने का ख्याल तक अपने जहन में नहीं ला पाए। ये तो आज हमें दिखने लगा है कि औरंगजेब के बाद मुगलों की कैसी दुर्दशा हुई, पर उस जमाने में मुगल सम्राट का अपना एक वजूद हुआ करता था, उसकी अपनी एक महिमा थी और इसीलिए बक्सर में अंग्रेजों के हाथ पकड़े जाना मुगल शान को इतना बड़ा धक्का था जिससे मुगल फिर कभी नहीं उबर पाए। इस हादसे से सारा भारत चौंक गया और अंग्रेजों की दहशत बैठ गई। और जैसा कि हमने बताया कि इस वक्त मराठे पानीपत में मिले अपने जख्म चाट रहे थे, तो बक्सर में उनका मुगलों को मदद करना असंभव ही था। नहीं तो कौन जाने कि बक्सर में मुगल और मराठे मिलकर अंग्रेजों से लड़ते, या ज्यादा संभावना ये थी कि बक्सर की जंग होती ही नहीं।
बक्सर के तुरंत बाद अंग्रेजों ने इसकी जीत पर मुहर लगाते हुए शुजाउद्दौला के अवध को भी अपने प्रभाव क्षेत्र में ले लिया, अपने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में ले लिया। अब आप नक्शे में देखकर सोच रहे होंगे कि अंग्रेज इस समय दिल्ली क्यों नहीं आए। अंग्रेज शायद इसलिए दिल्ली नहीं आए होंगे कि अभी अभी ही पानीपत का एक बहुत बड़ा तमाशा हुआ था और उसकी वजह से नजीब की दहशत थी। फिर अंग्रेजों ने इलाहाबाद की संधि करके शाह आलम से बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी भी हासिल कर ली। इससे लगभग पूरा पूर्वी भारत अंग्रेजों के प्रभाव में आ गया। ये सब हमने अपने बक्सर और एंग्लो मुगल वॉर की वीडियोस में बताया है। तो इस तरह सन 1757 से 1765 के बीच तीसरे कर्नाटक युद्ध और मुगलों से संघर्ष में मिली भारी सफलता के कारण एक तरफ अंग्रेजों के लिए गंगा के मैदान खुल गए तो दूसरी तरफ दक्षिण भारत में उनके एकाधिकार यानी मोनोपोली की संभावनाएं बन गई। पर दक्षिण भारत में उनके रास्ते में एक कांटा उन्हें हमेशा चुभता रहा, मैसूर का हैदर अली। मैसूर दक्षिण भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य हुआ करता था। इस पर पानीपत से पहले मराठे हावी रहते थे। मैसूर में हैदर अली धीरे धीरे शक्तिशाली होता चला गया। उसने मैसूर के राजा को महत्वहीन करके सत्ता खुद के हाथों में ले ली। जैसे ही मराठे पानीपत की वजह से कमजोर पड़े, हैदर ने खुलेआम सर उठा लिया, राजा को दरकिनार करके मैसूर का सर्वे सर्वा बन गया। तो इस तरह से सन 1761 में दक्खन में हैदर एक महत्वपूर्ण सितारा बनकर उभरा। बाद में उसके बेटे टीपू सुल्तान ने अपने पिता के काम को एक नई ऊंचाई दी। टीपू चाहे जितना भी विवादास्पद रहा हो, पर इस सच को कोई नहीं नकार सकता कि अंग्रेजों को भारत में उनके सबसे बुरे दिन दिखाए टीपू ने और उसके पिता हैदर अली ने। दक्षिण भारत में इन दोनों बाप बेटों ने मराठों को ही नहीं अंग्रेजों को भी आगे बढ़ने से रोक कर रखा करीब 30 साल तक। यह एक छोटे से राज्य के लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि होती है। तो हम ये समझ सकते हैं कि पानीपत की हार से हैदर का असल जन्म हुआ और इसके दूरगामी परिणाम हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे ही। अब यदि हम एक लिस्ट बनाएं कि पानीपत के तुरंत बाद क्या क्या हुआ, तो हम ये पाएंगे कि नंबर एक, मराठे कमजोर पड़ते ही कई राज्य मराठों से आजाद हो गए और कई नए नए राज्यों और रियासतों का जन्म हुआ। मराठों पर तरह तरह के दबाव पड़ने लगे और शायद इसी का फायदा उठाकर मैसूर में हैदर अली ने और पूरब में अंग्रेजों ने सर उठाया। नंबर दो, अफगानों के पंजाब में कमजोर पड़ते ही सिखों ने पंजाब में जड़ पकड़ ली। नंबर तीन, नजीब ने रोहिलखंड की सत्ता स्थापित कर ली और आगे चलकर जाट राजा सूरजमल की हत्या कर दी और इस तरह से उसने जाटों के राज्य को भी कमजोर कर दिया। नंबर चार और सबसे खास, दूर बैठा हुआ शेर, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मौके का पूरा पूरा फायदा उठाया। बक्सर की जंग से अंग्रेजों ने बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी लेकर पूर्वी भारत को अपनी अंटी में कर लिया, मुगल सम्राट को पकड़ लिया और मुगलों की गरिमा को मिटा डाला। लेकिन नजीब और अफगानों के डर से अंग्रेज दिल्ली में नहीं घुस पाए। अब आप कहेंगे कि इस वीडियो में हमने जो बात की वो तो दूरगामी परिणाम है, लेकिन नहीं, दूरगामी परिणाम इससे भी बहुत ज्यादा बड़े होते हैं और सदियों तक अपना असर दिखाते हैं।